अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, कुछ अर्सा पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज की, तो उसमें से कुछ ड्रेसेस जो थे उसका मैं कटिंग और स्टिचिंग के ट्यूटोरियल तो ऑलरेडी ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी जिनकी मैंने कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज नहीं डाली थी। उनमें से ये एक ट्राउजर भी था। मेरी बहुत सारी बहनों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस ट्राउजर की मैं स्टिचिंग का ट्यूटोरियल अपलोड कर दूं, तो आज मैं आप लोगों के लिए इसकी स्टिचिंग लेके हाजिर हो गई हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी स्टिचिंग मैंने किस तरह से की है। व्यूअर्स, इस ट्राउज़र को बनाने के लिए हम आमतौर पर जिस तरह का अपना ट्राउज़र सिलाई करते हैं, ऊपर से सारी आमतौर पे जितनी मेजरमेंट्स रखते हैं उतनी रख के आपने सिलाई कर लेना है, और यहाँ से नीचे से आपने 7 इंचेस जो है वो कम रखना है। यहाँ से 1/2 इंचेस का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे हम 1/2 इंचेस तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ 7 इंचेस तक जो है वो आपने छोड़ देना है, वो हम अलग से कपड़ा लगाएंगे। तो ये हम यहाँ पे अलग से कपड़ा अटैच करेंगे। ये जो कपड़े की लेंथ है, ये हमारी जो लेंथ होगी ना, यहाँ पे आपने जितनी लेंथ रखनी है यहाँ से 1/1 इंचेस छोड़ के जो हमने सिलाई लगानी है, और यहाँ से आपने जितनी अपनी लेंथ ये चौड़ाई रखनी है यहाँ पे 5 इंच की, ये जितनी हमारी चौड़ाई होगी ना ये वाली, इससे हम 3 हिस्से जो है, इसके 3 हिस्से जो है वो मेजरमेंट में हम ज़्यादा लेंगे कपड़ा, क्योंकि ये बॉक्स प्लेट्स हैं तो इसमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इस तरह ये तकरीबन 17 इंचेस है चौड़ाई में, तो हम जो लेंथ में कपड़ा है वो 17 इंचेस के 3 हिस्से लेंगे। ये एक बार 17 इंचेस, ये 2 बार 17 इंचेस, और ये 3 बार 17 इंचेस। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे निशान लगाएंगे बॉक्स प्लेट्स के लिए। यहाँ पे मेरा ये जोड़ आया है। आप लोगों के पास अगर पूरा कपड़ा सीधा है तो वो ज़्यादा बेहतर है, मेरे पास कम था तो मैंने यहाँ पे जोड़ लगा लिया है। अब हम 1.5 इंचेस पे पूरी पट्टी पे निशान लगा लेंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा जोड़ आया हुआ है, तो इस जोड़ को हम इसके अंदर ही सिलाई करेंगे ताकि ये सामने नज़र ना आए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके 1.5 इंचेस पे निशान लगाऊँगी। अगर आप लोगों के पास ये सीधी पट्टी है, उसमें कोई जोड़ नहीं है, तो आप इधर स्टार्ट से शुरू करेंगे 1.5 इंचेस पे निशान लगाना, एंड तक आप ऐसे ही सीधे सीधे लगा लोगे। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये जो मेरा जोड़ है ना, ये इसके ऐसे अंदर अंदर आ जाए, ये सामने कहीं नज़र ना आए। इस तरह ये हमने निशान लगा लिए हैं, दूसरी तरफ भी ऐसे निशान लगा लेने। अब हम यहाँ पे उल्टी तरफ सीधी लाइनें लगा लेंगे, ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए है। उल्टी साइड पे लाइनें लगानी है ताकि सीधी साइड पे नज़र ना आए। इस तरह से ये लाइन लग गई हैं। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी लाइनें लगा लेनी हैं। अब इस वाली लाइन को पकड़ के इस वाली लाइन के साथ मिला देंगे और पिनअप कर लेंगे। आप इसी तरह भी रख के ऐसे लाइनों के साथ करके आप सिलाई लगा सकते हो। ये सिर्फ मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता रही हूँ कि प्लेट्स जो हैं वो आपने इस तरह बनाने हैं। ये लाइन जो पकड़ के इसके साथ,
और ये बैग इस वाली लाइन के साथ। ये नेक्स्ट के साथ यहाँ से एक जैसा रखना है। आप लोग इस तरह निशान लगा लोगे तो सारे प्लेट्स जो हैं वो एक जैसे बनेंगे। ये जो दरमियान में जोड़ा ना, आपने इसको प्लेट में दबाना है ताकि ये सिलाई नज़र ना आए अलग से। जिनके दरमियान में जोड़ नहीं है वो तो उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, वो सीधे सीधे ही प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह ये हमारी सीधी साइड है, ये प्लेट्स दोनों साइड पे एक ही तरह के आते हैं। तो इस तरह ये हमारे जो है वो प्लेट्स बन गए हैं। हम अब यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह ये भी प्लेट्स बन गए हैं। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब हम एक पट्टी लेंगे। जो कि तकरीबन 2 इंचेस जो है वो विड्थ में है। और लेंथ में तकरीबन ये 30-35 इंचेस जो है वो है। अब इसको हम सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंचेस जो है वो हम रख के इसको सिलाई लगा लेंगे। टू इंचेस थी, इसको हमने ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब मैंने इसको सीधा करके प्रेस कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इसकी 2.5 इंचेस की छोटी छोटी जो है वो पट्टियाँ काट लेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंचेस का निशान लगाएंगे नीचे वाली साइड पे, क्योंकि ये 1/2 इंचेस हमने बढ़ा के रखा हुआ है ताकि इस पे हम सिलाई लगा सकें। 1 इंचेस की जो है वो हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे और यहाँ से हम 1 इंचेस का जो है वो गैप रख के निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 1/2 इंचेस का गैप रख के निशान लगाया क्योंकि यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से हमने 1 इंचेस का गैप रख के निशान लगाया ताकि यहाँ पे हम ये पट्टियाँ जो हैं वो अटैच करेंगे। ये जोड़ जो है इस पे हम एक इस तरह रखेंगे हम। टू एंड हाफ इंचेस के फासले पे हम ये पट्टियाँ जो हैं वो अटैच कर देंगे। सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर। दूसरी तरफ भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। अब इनको ये जो पट्टियाँ इधर की तरफ मोड़ देना। एक्स्ट्रा काट देंगे। अब यहाँ पर
ये जो हमने फ्रिल बनाई थी वो लगाएंगे, ये निशान वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे। अब ये जो बॉक्स ब्लेड बनाने के लिए हमने सिलाई लगाई थी, इसके ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब हमने ये अटैच कर लिया है इसको। अब यहाँ से जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है उसको कट करके अब ये हम दरमियान की सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ एंड तक। ये यहाँ से दरमियान की सिलाई इसकी लग गई है सारी। अब हम ये जो पंच है ना, यहाँ से ये नीचे से अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे सारे को राउंड। ये अब हमने नीचे वाली साइड पे सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों तरफ, और ये हमारी पट्टियाँ भी एडजस्ट हो गई हैं दोनों तरफ। अब हम क्या करेंगे, दो पट्टियाँ लेंगे ये जो पट्टी है ये 3 इंचज़ जो है वो विड्थ में है और ये 44 इंचज़ जो है वो लेंथ में है। तो ये हमने इस तरह की दो पट्टियाँ ले लेनी हैं, इनको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई लगाने के लिए हम जो कॉर्नर्स एंड्स हैं ना इसके, ये थोड़ा नोक बना देंगे, इसकी कोना सा बना देंगे। तो ये चारों साइड पे हम ऐसे ही करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों पे। ये मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है और यहाँ से एक्स्ट्रा काट दिया है दोनों तरफ। एक साइड से मैंने इसको थोड़ा छोड़ा है, इसको हम पहले सीधा करेंगे उसके बाद फिर इसको अंदर मोड़ के इतनी सिलाई बाकी बाद में लगाएंगे। ये अब दोनों पट्टियाँ जो हैं मैंने सीधी कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमने खुली छोड़ी हुई थी वहाँ से ये ऐसे खुली थी, ऐसे इसको कोने से अंदर को मोड़ के अंदर की तरफ इस तरह करके यहाँ से भी जिस तरह हमने निशान लगाया था वहाँ पे ऐसे अंदर मोड़ के इसको हम ऐसे प्रेस करके यहाँ पे फिर ऐसे सिलाई लगा देंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने ये छोड़ी थी। अगर आपको ये मुश्किल लगे इस तरह कॉर्नर्स को मोड़ना, तो आप क्या करें कि दोनों तरफ से सिलाइयाँ ला के ऐसे इधर से भी ले आए टेढ़ी, यहाँ से कॉर्नर बनाते हुए इधर से भी ले आए यहाँ तक रोक दें, और फिर इधर से भी कॉर्नर बनाते हुए सिलाई ले आए और यहाँ तक रोक दें, और यहाँ से थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दें जिससे आप इसको सीधा कर लो पहले दोनों तरफ से, फिर इसको यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ के बस एक सीधी सी ऊपर से सिलाई लगा दो छोटी सी। ठीक है, ये भी एक इजी तरीका है। अभी हमारी पट्टियाँ कंप्लीट हो गई हैं दोनों। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने ये पट्टियाँ लगाई थी छोटी छोटी, इसके अंदर से हम इनको गुजारेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाली जो हमारी बाहर वाली सिलाई है ना, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम इसको इसके अंदर से गुजार के यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये इधर भी ऐसे, और इधर भी हम इसी तरह इसको डाल देंगे। इस तरह वो जो ट्राउज़र, वो जिसको देख के आपने इसकी रिक्वेस्ट की थी कटिंग स्टिचिंग की, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही बना हुआ है। उसकी मैंने आपको, मैं दिखाती हूँ
आपको, बल्कि मैं वो पट्टियाँ लगा के दिखाती हूँ। उसके मैंने शर्ट के साथ की जो पट्टियाँ बनाई थी, और फिर वो मैंने सिंपल ट्राउज़र के अंदर ही वो शर्ट के साथ की पट्टी जो है वो लगाई थी। अभी वो उस तरह से भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये तो एक आम तौर पे ट्राउज़र हो गया, ये आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी शर्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हो। ये एक आम तौर पे ट्राउज़र हो गया। और शर्ट के साथ का बिल्कुल बनाने के लिए आप यहाँ पे ये जो पट्टी है ना, ये आप चेंज कर दो। आपने अगर किसी कंट्रास्ट शर्ट के साथ अगर इसको पहनना है, तो आप उस शर्ट के साथ की ये सिर्फ पट्टियाँ बना लो, और इसमें से सिर्फ ये पट्टियाँ निकाल के इस तरह, जैसे मैंने अब मेरे पास ये येलो शर्ट है, तो मुझे ये ट्राउज़र अगर अपनी इस येलो शर्ट के साथ पहनना है, तो मैं इस येलो पट्टी को यहाँ पे लगा लूँगी। तो ये फिर मेरा शर्ट के साथ का ट्राउज़र बन जाएगा। इस तरह से ये भी आप इसी तरह यहाँ पे नॉट लगा लें। थोड़ी छोटी है इसलिए यहाँ पे नॉट इसकी छोटी लगी। और बहुत ज़्यादा पट्टी लंबी नहीं करनी आपने अपने इस ट्राउज़र से, ये नीचे तक नहीं करनी, इतनी ही इस फ्रिल जितनी ही बस रहे। तो इस तरह आप अपनी शर्ट के साथ कंट्रास्ट करके भी बना सकते हो इसको। तो ये है ट्राउज़र का फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। फिर दोबारा हाजिर होंगी कुछ नए डिज़ाइंस लेकर। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।